तो प्रदेश में 14वीं विधानसभा के लिए मतदान हो चुका है। मतदान में प्रदेश की जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मतदान को लेकर लोग काफी जागरूक भी दिखे, लेकिन इस बीच ईवीएम खराब होने की भी खबरें आई। दरअसल कालका विधानसभा में बूथ नंबर 57 और 58 पर ईवीएम खराब होने के कारण मतदान देर से हुआ। देखिए रिपोर्ट। चुनाव में हर बार ईवीएम निशाने पर होती है, हर बार प्रशासन की ओर से ईवीएम को लेकर दावे किए जाते हैं, तो वहीं विपक्षी दलों की ओर से ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं। चुनाव के दौरान ईवीएम खराबी की खबरें आती हैं। ईवीएम खराब होने के कारण मतदान में लेट लतीफी भी होती है और लोग परेशान भी होते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान। दरअसल हरियाणा की कालका विधानसभा के बूथ नंबर 57 और 58 पर ईवीएम खराब हो गयी। इस कारण मतदान में काफी समस्या हुई। ये तस्वीरें देखिए, बूथ पर मौजूद कर्मचारी ईवीएम को ठीक करा रहे हैं। ये समस्या तकरीबन 2 घंटे तक रही। बताया जा रहा है कि ईवीएम सुबह 6:30 बजे खराब हुई। ईवीएम खराब होने के कारण बूथ पर 8:15 बजे तक वोटिंग नहीं हो सकी। इसके कारण लोगों को काफी परेशानी हुई। ये 58 नंबर बूथ में लगभग आधा घंटे से ज्यादा क्या नाम यहाँ पे वोटिंग नहीं हुई हुई है, और इसी तरह 57 नंबर बूथ पे सुबह 6:30 बजे से लेके 8:15 मिनट तक जो भारी भीड़ लगी हुई है, लोग परेशान हैं। यहाँ पे जो वोटिंग मशीन है बिल्कुल खराब पड़ी है, और इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, और इसमें हमें आशंका है कि कोई कुछ भी गलती हो। इसके अलावा भिवानी जिले के सीपर गांव के बूथ नंबर 85 और 86 पर ईवीएम खराबी के चलते मतदान 1 घंटा 5 मिनट की देरी से शुरू हुआ। चांग के बूथ नंबर 157 और 158 पर 15 मिनट की देरी हुई। कुंगड़ के बूथ नंबर 36 पर मतदान 7:42 पर शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि कर्मचारी ईवीएम के तार को सही तरीके से जोड़ नहीं पाए, इस कारण मतदान में देरी हुई। और ये सरकार जो है उसमें दबाव में ये मशीनें खराब कराई गई हैं, और चुनाव आयोग से तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि 1 घंटा दोनों मशीन 85 और 86 की, और हमारे भवानी खेड़ा विधानसभा में ज्यादातर ऐसे मशीन खराब खराब है। सभी सिचुएशन पीसफुल है। अभी हमें खबर मिली थी कि सिपर गांव के 85 नंबर बूथ पर थोड़ी मशीन में खराबी है। वो चुनाव आयोग की ओर से अतिरिक्त ईवीएम की व्यवस्था भी की जाती है, तो फिर क्यों समय रहते ईवीएम को बदला नहीं गया? क्यों कर्मचारी ईवीएम को सुधारने की जुगत में लगे रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।